बात कुछ ऐसी है कि फाइनली हमने एक छोटा सा नहीं बड़ा रूम ले लिया है और हम अभी जा रहे हैं हनुमान लेक पॉइंट है। तो भीमा शंकर यहाँ से जाना है तो कल सुबह जाएंगे यहाँ से, अगर पॉसिबल है अगर तो बाइक लेने जाने की है परमिशन मिली तो हम जाएंगे लेक पे बाइक लेके। तो पता नहीं कि हमें अलाव है कि नहीं ये बाइक लेके जाना, लेकिन हम लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे ही ट्रेल है वो हनुमान पॉइंट हमें लेके जाएगा। होप कि कोई हमको रोके ना टोके ना। और तेरी ऐसे रस्तों की ही तो हमें कब से वेट कर रहे थे कि एडवेंचर बाइक लेके ऐसे ही ट्रेल पे जाना है। और ये हम लोग ट्रेल कर रहे हैं भीमाशंकर में, क्या बात है, सही है, ये तो खतरनाक है बे। आई डोंट थिंक यार कोई बाइक लेके आया है, बस हम ही लोग आए हैं। हमें नहीं पता हम लोग करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो भी है देखा जाएगा। तो कुछ भी हो जाए ओके ये ट्रेल कंप्लीट करेंगे। अभी रास्ता थोड़ा सा ख़राब तो लग रहा है लेकिन बाइक थोड़ा कंफर्टेबल है। लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं कि ये लोग बाइक लेके कहाँ जा रहे हैं। तो एक्चुअल फीलिंग आ रही है कि हम लोग जंगलों में जा रहे हैं और ये रास्तों का तो नामो निशान नहीं है और सभी लोग पैदल आ रहे हैं, बस हम दो क्या बोले दो पर्यटक हम जा रहे हैं बाइक लेके। सो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं अभी भीमाशंकर। भीमाशंकर बहुत पहले ही पहुंच गए थे, रूम भी ले लिया और फिर हम यहाँ आए थे हनुमान लेक, जो मेरे पीछे है हनुमान लेक इस तरह दिखता है। और तो इसके पीछे जो है वो अंजलि माता का टेम्पल है, वहाँ जाके देखते हैं क्योंकि उसके आगे ही उसके आसपास एक नागमणि पॉइंट भी है लेकिन पता नहीं कहाँ। और ये फिर लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ अलग था, हमें लगा कि वो बहुत बड़ा लेक होगा लेकिन ये इतना ही लेक है तो थोड़ी सी हमें हमारी अपेक्षा भंग हो गई। एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं वो टेम्पल की ओर। हमें जिसने रूम दिया वो तो नॉर्मल पंक्चर वाला है, उसने गाइड किया कि यहाँ से एक पीछे से एक चोर रास्ता है वहाँ हम जा सकते हो। तो हम यहाँ तक बाइक लेके आए हैं लेकिन उसके आगे ये बाइक नहीं लेके जा सकते क्योंकि ट्रेल देखो मेरे पीछे कैसे है, ये देखो। तो ये जो ट्रेल है इसमें बाइक तो नहीं लेके जा सकते। एनीवे थोड़ा सा ट्रैकिंग भी करते हैं, अभी इतना आए थे बहुत हमने ट्रैकिंग किया नहीं है और अभी वैसे अंधेरा भी होने आया है। कितना बजा अभी 4:30 बजे है लेकिन जंगल में होने की वजह से थोड़ा जल्दी अंधेरा हो रहा है। देखो अभी ऊपर जाके देखते हैं। तो ये है मेरे पीछे अंजलि माता का टेम्पल, तो ऐसे दिखता है। अगर किसी को कोई अगर क्यूरियस है कि ये सब पॉइंट जो है वो कैसे दिखते हैं तो ऐसे दिखते हैं। तो मैंने आपको एक हनुमान लेक दिखाया, ये अंजलि माता का टेम्पल दिखाया और यहाँ ऊपर शायद से नागमणि पॉइंट है। अगर गूगल मैप के भरोसे जाएँ तो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दिखा रहा है। सो हमारा ये हनुमान लेक और अंजनी माता टेम्पल देख के हो गया है। अब यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग भीमाशंकर में तो है। अब यहाँ जाएंगे मुंबई पॉइंट जहाँ सनसेट व्यू दिखता है ऐसे सुना है मैंने, देखते हैं वहाँ जाके कैसा पर मिलता है। और मंदिर में जाएंगे हम कल सुबह, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बाइक पे, बाइक तो इधर ही है। और पता नहीं यहाँ कितने जन बाइक लेके आए, हम हो सकते पहले हो, हम दोनों हाँ पर है सॉरी मैं बताना रहेगा ये भी है। तो ये हम लोग दो जन बाइक लेके आए थे, पता नहीं क्योंकि कोई भी एक जन भी व्हीकल नहीं दिखा हमें। जितने भी जन जो आ रहे थे वो वॉकिंग करके आ रहे थे, ट्रैकिंग करके आ रहे थे, हम घूर घूर के देख रहे थे कि ये दो बाइक लेके कहाँ जा रहे हैं। और ये हमें टिप मिला जिसने हमें रूम दिलाया। तो ये हमारा वापस से ट्रैकिंग तो हो गया, बाइक वाला ट्रेलिंग तो हो गया और शायद आई डोंट नो किसने यहाँ बाइक लेके कोई आया है कि नहीं आया, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो फॉर श्योर आपको ये पता चलेगा कि अगर बाइक पे अगर आना है जो रिस्की है क्योंकि किसी ने पता नहीं ब्रह्म देखो रास्ता बारीकर डाल के रखा है तो ये तो इम्प्लाइड है कि आपको यहाँ पर आने की परमिशन तो नहीं है। अगर स्टिल आप आते हो तो भाई आप अपने रिस्क पे ले आ रहे हो, जैसे हम यहाँ अपने रिस्क पे आए थे। लेकिन हमने थोड़ा सा फील्डिंग ला के रखा था कि उसका नंबर लिया था और उसने बोला था
कि कोई पूछे तो मेरा नाम बोल देना। तो ऐसे अगर ट्रेल पे आते हो तो मेक श्योर कि ऐसे खतरनाक और कॉन्फिडेंस हो आपको। ऐसा नहीं बोला कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मेरे पास तो मैं लेके आया, क्योंकि मुझे वैसे भी एडवेंचर तो करना तो है। एनीवे ट्रेलिंग खतरनाक वाली ट्रेल, ओके मज़ा आया लेकिन ये ट्रेल करके ना बहुत मज़ा आया। आ गए हम लोग बाहर। तो यहाँ हम आए थे मुंबई सनसेट पॉइंट, मुंबई पॉइंट जहाँ से सनसेट दिखता है और यहाँ से ये वैली का व्यू भी दिखता है, लेकिन व्यू कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि सारा फॉग है। देखो कितना सारा फॉग है। ठीक है, भीमाशंकर में है हम लोग। आज का दिन स्टे करेंगे, कल सुबह जाएंगे भीमाशंकर टेम्पल देखने। तो सुबह क्यों जाना है मंदिर विजिट करने, इसका रीज़न है कि मैंने सुना भी था और अभी यहाँ आके पता भी चला कि जो सुबह आरती होती है वहाँ वो टाइम पे ना उनके जो शिवलिंग है उस पर से जो सिल्वर का आवरण होता है वो निकाल देते हैं शायद स्नान करने के लिए या जो भी है, और उसी टाइम पे आप वो सब देख सकते हो। और आरती होने के बाद वापस से वो चांदी का जो भी आवरण है वापस से शिवलिंग पे डालती है, उसको ढक देती है, पूरा दिन वैसे ही रहता है। तो हमने सोचा है कि अभी सुबह ही जाएंगे और वो देखते हैं क्या कैसे देखने मिलता है। और फिर यहाँ सुबह वो मंदिर में जाने के बाद फिर जो है गुप्त भीमाशंकर, वो एक पॉइंट का नाम सुना है मैंने, देखते हैं वहाँ जाके कि कैसे होता है। तो दैट्स इट फॉर द डे, आज का व्लॉग इधर ही एंड कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। तो ये जो दो दिन के व्लॉग जो है वो टेस्ट बेसिस में सिर्फ रॉ वीडियो डालूंगा पहले, और सिनेमेटिक जो है उसके बाद में डालूंगा। तो ये मेरा कुछ प्लान है, देखते हैं कैसे सक्सेस होता है। और मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हैव अ नाइस डे।